नगर निकाय चुनाव -2023 की प्रस्तावित मतगणना को सकुशल शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से कराने के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या मुनिराज जी ने बताया कि मीडिया कर्मी की पास बनेंगे कोई भी बिना पास अंदर नहीं जा सकता है और जीता हुआ कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति जुलूस नहीं निकाल सकता है। अयोध्या से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद में 5 जगह काउंटिंग होगी, नगर निगम का हेडक्वार्टर में होगी, बाकी जगह अलग अलग जगह में हो रही है। हमारा सुनोबल और उदोड़ी और मिल्कीपुर और बेकापुर, यहाँ पे 5 जगह हमारा काउंटिंग होगी और सभी काउंटिंग स्थल पर पर्याप्त फोर्स लगी है, हर टेबल पर ड्यूटी लगेगी और जो बैरिकेडिंग होगा 200 मीटर तक बैरिकेडिंग हुई, किसी भी व्यक्ति 200 मीटर उस पर कोई जाल से बिना पास वाला कोई नहीं जा सकता और मीडिया कर्मचारी का लोग मीडिया के पास मिलेगी, मीडिया कर्मचारी के भी 200 मीटर पर उनके भी अलग पार्टी व्यवस्था गाड़ी की होगी और साथ साथ कोई भी वहाँ पे पंडाल वगैरह लगाने के लिए मना किए हैं, वहाँ कई जनपद में 144 लिखी, कोई भी आदमी जो काउंटिंग स्थल का बाहर 200 मीटर परिसर में कोई भी कार्यक्रम होने नहीं देंगे और साथ साथ हमारा QRT मोबाइल्स लगी है और इसके अलावा जनपद में जो लॉन्ड ऑर्डर के लिए भी पूरा क्षेत्र में भी भ्रमण के लिए 112 का भ्रमण कंटिन्यूसली रहेगी, थाना का सेकंड मोबाइल भ्रमण में रहेगी और जो काउंटिंग स्थल पर जो जीतता हुआ प्रत्याशी हराना हुआ प्रत्याशी और जीता हुआ प्रत्याशी बाहर निकलते समय अकेले जाएंगे, कोई जुलूस नहीं निकलेंगे, बिना परमिशन से कोई जुलूस नहीं निकल सकते और कल के लिए जुलूस 100% प्रतिबंध है, जुलूस निकलेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई करेंगे और सभी लोग स्वागत के माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से अपील भी करता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी कानून का पालन करेंगे और साथ साथ जो नियमों का आचार संहिता का पालन कराएंगे और जो प्रशासन का सहयोग करेंगे। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से जब ऐसी बातें आती हैं कंटेंट में तो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके, इस पे कैसे आपका करेंगे? हमारा सोशल मीडिया की टीम है 24/7, हमारा सोशल मीडिया सेल मॉनिटरिंग करती है, कोई भी व्हाट्सएप कोई रूमर का अफवाह फैलाने वाला मैसेज हो और ट्विटर का फेसबुक के माध्यम से कोई मैसेजेस आता है उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जो मौके पर सीनियर अधिकारी का जांच करके तुरंत उसको निस्तारित करते हैं, कोई आदमी गलत सूचना और अफवाह देता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता हूँ।